हरियाणा के नूह में स्थित राजकीय बाग के कैथली बेर सबको अपनी मिठास का दीवाना बना रहे हैं। देखने में कैथली बेर भले ही हरे रंग के हैं, लेकिन इनकी मिठास चीनी से कम नहीं है। एक बार जो इन बेर को खा लेता है वो बार बार कैथली बेर की डिमांड करता है। पिछले करीब 25 सालों से 10 एकड़ में फैले राजकीय बाग एवं नर्सरी पिनगावा में कैथली बेर का बाग करीब 4.5 एकड़ भूमि पर लगाया गया है, जिससे बागवानी विभाग को तो हर साल लाखों का राजस्व प्राप्त होता ही है, साथ ही ठेकेदार को भी अच्छा मुनाफा होता है। इस साल बाग से बागवानी विभाग को 5 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं पिछले साल फल अच्छा होने से बागवानी विभाग को 6 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। जिला बागवानी विभाग अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि इस बेर की दूर दराज तक डिमांड है। बाकी किसानों के यहाँ ये अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं हो रही है, और कैथली इसका नाम भी कैथल डिस्ट्रिक्ट से ही पड़ा है, वहीं इसका ओरिजिन है। इसके जो मिठास है बहुत अच्छी होती है, और इसका हरा कलर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें सॉफ्टनेस और TSS जिसको बोलते हैं टोटल सॉल्युबल सॉलिड, वो बहुत ज़्यादा है। और जो भी इंसान एक बार इसको खाता है तो वो बार बार इसकी डिमांड करता है। और पर्टिकुलरली इस बाग में ये बगैर पानी के यहाँ बेर की खेती हो रही है, जिससे और भी इसका TSS ज़्यादा हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी डिमांड में है। ये कम से कम 15-20% महंगा रहता है बाकी बेर से। अगर दूसरा बेर 30 रुपये बिक रहा है तो ये तकरीबन 35-36-37 रुपये तक जाएगा। और इसका डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि भाई इसका टेस्ट अच्छा है। अगर आप दूसरा गोला या उमरान ये दूसरे बेर खाओगे तो उसमें हल्का एसिडिक होता है, तो ज़्यादा बेर इंसान खा नहीं पाता, लेकिन इसको जितना खाओगे उतना ही अच्छा लगेगा और इसमें मिठास बरकरार रहती है। विभाग को ये हमारा तकरीबन 10 एकड़ में बाग है, और लास्ट ईयर हमने ये 6 लाख के करीब छोड़ा था, इस साल 5,12,000 में गया है। और इसको तकरीबन 50,000 रुपये पर एकड़ तो आप मुनाफा मान ही सकते हो कि भाई ऑन एन एवरेज। तो किसान अगर दूसरी फसलें लगाते हैं तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता है, और हम इसको आगे पॉपुलर करने के लिए अब यहीं इसके पौधे तैयार करने शुरू करेंगे। बाग के ठेकेदार ने बताया कि 10 एकड़ में फैले इस बाग में करीब 3 तरह की वैरायटी के बेर हैं, जिनमें कैथली बेर की मांग सबसे ज्यादा होती है। यही बेर बाजार में 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। यहाँ में 10 एकड़ में है ये। इसमें एक इमरान नाम का बेर है, उसमें तकरीबन 2-1 एकड़ में है वो सर, और बाकी का 8-8.5 एकड़ में गोला है। कुछ वैरायटी एक काठा बोलते हैं वो भी है, 2-4 ब्यूटी उसकी भी हैं। तो इस तरह का से अब हम काम चल रहा है हमारा, बढ़िया चल रहा है, दूसरों को मिल रहा है। अभी अपने पास ये लेडीज हैं, हमारी ताई है, चाची है, जो भी हैं ये इनका। अब तो हमने तकरीबन ये 6-7 लगा रखे हैं, अब और बढ़ेंगी, कम से कम 20 तो हो ही जाएंगी, 10-15। और जो इधर उधर से गाँवों से आती हैं वो भी मदद करती हैं, उनको लिए बेर भी दे देते हैं, जो पैसा लेता है उनको पैसा दे देते हैं। तो बढ़िया चल रहा है यहाँ, और एरिया भी अच्छा है, कोई ऐसी कोई बुराई की बात ना, खाने कमाने बात पे रेहड़ी वाले भी आ जाते हैं, और जो गांवों में बेचते हैं वो भी ले जाते हैं, और जो शहर में जो रेहड़ी लगाते हैं धक्के लगाते हैं वो भी आ जाते हैं, उनके लिए भी देते हैं। जैसे भी मन ले जाता, 2 मन ले जाता, 20 किलो ले जाता है, तो इस तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ हमारा जो असली मैन जो जगह है वो रोड पर बेचते हैं, अपना फार्म का गेट है जो, इस पर काफ़ी बेर की सेल हो जाती है। और यहाँ उसका रेट तकरीबन हम 80 रुपये किलो बेचते हैं यहाँ, तो बढ़िया है। उसमें 200 कुछ बेवड़ी हैं सर, तो उसके लिए अभी से ऑर्डर आ रहे हैं, हम पे पूर्ति ना हो रही, अभी वो चला नहीं है, तो उसमें तकरीबन 10-12 रोज लग जाएंगे उसके चलने में, इतना हमारा ये गोला है जो ये डाउन हो जाएगा। तो उसकी तो लिए ऑर्डर पहले ही आए पड़े हैं, अच्छा सेल है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाग देखने के लिए और बेर खरीदने के लिए लोग राजकीय बाग एवं नर्सरी पिनगावा पर ही बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि कैथली बेर से बागवानी विभाग को कम लागत के बावजूद अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। बागवानी विभाग इस 10 एकड़ के बाग से प्रति एकड़ तकरीबन 50,000 की आमदनी कर रहा है। गौरतलब है कि इस बाग में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं होती, ये बाग पूरी तरह से बारिश के पानी पर आधारित है। नूह से कासिम खान की रिपोर्ट, ETV भारत, हरियाणा।